देखें जी, उस दौर में कैमरे तो होते नहीं थे, लिहाजा ये तो अब आबादी बन गई है लाहौर में काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से कुछ नहीं नज़र आ रहा। ये तो कई दूर मील से इनको नज़र आ जाता था कि कौन से मुल्क की फ़ौज आ रही है, कौन आ रहा है, इनको सब पता लग जाता था। लिहाजा ये कैमरे का काम ये लेते थे, ये जो भी चबारा सा बनाया हुआ था इन्होंने, ये देखें खिड़कियाँ, यहाँ पे काफ़ी दूर का नज़ारा नज़र आता था। लिहाजा इन लोगों की जो सोच थी वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे की है। जिस तरह ये इन्होंने बनाया है, ये देखिए यहाँ से भी व्यू बिल्कुल ठीक नज़र आता है। यहाँ पे कोई भी सिपाही जो था वो यहाँ पे पूरी निगरानी कर सकता था। ये देखें कितनी अच्छी उनकी सोच थी, यहाँ से कितना नज़ारा नज़र आता था उनको। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बनाई गई है, आप देख सकते हैं यहाँ से भी अभी भी लाहौर का कितना नज़ारा नज़र आ रहा है। तो उस दौर में आप ज़रा सोच के देखें कितनी दूर तक नज़र आता होगा। अभी भी इनको इतने घर बन गए हैं, इतनी बिल्डिंग हैं, लेकिन अभी भी हमें नज़र आ रहा है काफ़ी दूर तक, लेकिन उस दौर में कितना ज़्यादा भी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बनाई गई जगह उनकी, इसलिए ये किले की ऊंचाई इतनी ज़्यादा रखते थे। ये जो बेसमेंट है ये उनके ही वेंटिलेशन बनाए हुए हैं इन्होंने, जिनसे सारी हवा क्रॉस होती थी, ऑक्सीजन का सिस्टम चलता था। और ये अब काफ़ी जगहों पे ऐसे बने हैं, तो इनको रिकवर करना यकीन करें आजकल के जितने भी यहाँ पे इंतज़ामिया उनका भी बस की बात नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा सुरंगें बनाते थे और उसका मकसद भी बड़े ख़ास होते थे। अगर जंग की सूरत हाल में इनको छुपना पड़ता था तो वो इस तरह छुपते थे कि दूसरी फौज को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता था और वो रास्ते भी कहीं और जाकर निकलते। अब देख रहे होंगे कहाँ कहाँ से रास्ते जा रहे हैं इनके। ये भी फाउंटेन कितना प्यारा और कितना बड़ा बनाया था इन्होंने। जैसे मैं आपको बता रहा था कि नीचे बहुत ज़्यादा बेसमेंट हैं और वाकई ही है। ये रास्ते आपने देखा होगा, आज भी आप टीवी पे सुनते हैं कि नई सुरंग दरियाफ्त हो गई है, मतलब इतने सौ सालों बाद अभी भी दरियाफ्त हो रही हैं। कई सुरंगें तो मलबे की वजह से बंद हो चुकी हैं। लिहाजा ये बहुत बड़ा किला है, नीचे से भी जितना ऊपर है वैसे ही नीचे भी इतना रख बैस का। Thank you.
सिख गैलरी है, यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह की काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन अभी आर्जी तौर पे ये बंद है, तो लिखा हुआ है उन्होंने इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं जो बैठने की इनकी जगह थी, यकीन करें ये ताजमहल से कम नहीं होगी अपने दौर में, लेकिन वक्त के साथ साथ जो भी हीरे जवाहरात थे वो सारे जो है वो कुछ अंग्रेज़ों ने और उसके उससे पहले जो बादशाह दूसरे आए वो ले गए। उसके अलावा वक्त के साथ साथ इसका रंग रोगन सब खराब हो चुका है, और ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजरता गया होगा जिसके हाथ जो लगा वो ले गया, नहीं तो ये जो नक्श नगारी है ये कमाल की आर्ट है, आप सोच नहीं सकते कितनी मेहनत से इन्होंने बनाया होगा, कितना बड़ा किला है और इन्होंने कितनी मेहनत की होगी जो हाथों से डिज़ाइन बनाए हैं इन्होंने, ज़रा सोच के देखें आप। और यहाँ पे कुछ शीशे अभी भी मौजूद नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी चमक दमक ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा ये अपने दौर का क्या कमाल का जो है ना आर्ट का एक पीस है, ये कमाल की। वक्त के साथ साथ काफ़ी कुछ जो है इसका बदल चुका है, ख़राब हो चुका है, लेकिन ये अपने दौर का बहुत खूबसूरत रहा होगा, यकीन करें ये ताजमहल से कम नहीं होगा। वक्त के साथ साथ जो है ये इनके वो खुफिया रास्ते होंगे जो नीचे इनकी बेसमेंट वगैरह बनाई होंगी, जिनको ये लोग आज भी दरियाफ्त नहीं कर सके। आप भी वक्त वक्त पे इनको कुछ ना कुछ मिलता रहता है, इतने साल हो चुके हैं, इतने 100 साल, लेकिन फिर भी इनको वो जगह दरियाफ्त नहीं हो चुकी मुकम्मल तौर पर, जितनी भी बेसमेंटें थी वो इनको रास्ते नहीं पता लग सके आज तक। मुग़ल जितने भी थे बादशाह इंडिया में हो या यहाँ पे, उनकी जितनी भी आप बनाए हुए मकाम देखेंगे ना उसमें बाग का डिज़ाइन आपको यही नज़र आएगा सेम। उनकी वजह ये होती थी, कुरान की एक आयत थी, वो आयत मैं अभी कोट नहीं कर सकता, उसके मुताबिक जो जन्नत का ज़िक्र हुआ था कि जन्नत इस तरह की होगी, उसमें बागात होंगे, पानी होगा, तो ये कोशिश करते थे कि हम सेम उसी तरह का यहाँ पे बागात बनाएं, और उसी तरह का वो जब फाउंटेन चलता था तो पानी आता था तो बहुत खूबसूरत मंज़र नज़र आता था, तो इनकी वही कोशिश होती थी कि हम लोग सेम वैसा ही बनाएं कि जन्नत की तरह ये बागात लगें। लेकिन आप इस तौर का नहीं सोच सकते, लेकिन तब का सोचें जब वे सारा कुछ वर्क कर रहा था और सेम आज से 100 साल पहले जगह थी, फिर आपको वैसा ही महसूस होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अभी तक 30 रंगें दरियाफ्त नहीं हो सकी अभी तक, और आप देख रहे हैं उनका एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ से निकलता होगा रास्ता, कहाँ जा रहा होगा आप सोच भी नहीं सकते। ये जितना ऊपर आपको किला नज़र आ रहा है तकरीबन उतना ही नीचे होगा, जगह उतनी ही होगी। ये फाउंटेन भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन सोचने की बात यह है कि उस दौर में इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं थी, ना मोटरें थी, फिर भी ये काम करता था। लेकिन इनका आप देखें कि सोच कैसी होती थी इनकी कि उस दौर में भी ये काम करता था, और जो भी इन्होंने निकास बनाया होता था पानी का वो इनकी बहुत अच्छी सोच थी। ये देखें आप, अभी भी आपको एक निशानी नज़र आ रही
शायद इसी तरह का कोई निकास इन्होंने बनाया था जिसकी वजह से ये काम करता था। बड़ा खूबसूरत हाथा बनाया इन्होंने। यहाँ पे एक और कुआं है, पानी का इनका जो सोर्स था ये कुएं ही थे। ये कुआं एक पहले देखा था। यहाँ से आप नज़ारा देखें, ये भी फाउंटेन है, उन्होंने एक लाइन में तीन है और बाग है। ज़रा सोच के देखें कि कितना खूबसूरत नज़ारा होगा उस तौर का। फूल हैं, पौधे हैं, वो रिलैक्स करते थे जितनी बादशाह थे। ये सीढ़ियों के स्टेप्स आप देख रहे होंगे ये कितने बड़े हैं, और इसकी वजह भी ये थी कि यहाँ से भी हाथी या घोड़े ऊपर आ सकते थे, इसलिए उनके लिए भी इन्होंने ये स्टेप्स बनाए थे। लिहाजा ये मंज़र आप देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। और यहाँ से जब आप ऊपर आएंगे तो जल्दी आ भी नहीं सकते। ज़रा सोच के देखें कितनी मेहनत की होगी उन लोगों ने, तब कोई सीमेंट बनाने वाली मशीनें भी नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कंस्ट्रक्शन की, लेकिन फिर भी इतनी मजबूती और ख़ूबसूरती थी उनकी चीज़ों में। ये रास्ता सीढ़ियों का बनाया था, जहाँ से किले के अंदर आते हैं तो ऊपर जाता है, और ये जो रास्ता आप देखें प्लेन है।